दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है, तो आप ये सोचेंगे कि भारत में, पर नहीं। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर एक ऐसे देश में मौजूद है जहाँ के लोग हिंदू नहीं हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंबोडिया देश की। आज हम आपको इसी देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथा रोचक तथ्य बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की वीडियो और देख सकें। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसे पहले कंबोडिया के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड, वियतनाम और लाओस आदि इस देश के पड़ोसी देश हैं। फोनोपेन कंबोडिया की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा लोकप्रिय शहर भी है। कंबोडिया एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा देश है जहाँ साल भर सैलानियों की चहल पहल बनी रहती है। घूमने फिरने के लिहाज से काफ़ी सस्ते देशों में से एक है। कंबोडिया भारतीयों के लिए एक बेहद ही शानदार जगह है, क्योंकि इतिहास में कभी यहाँ खमनेर साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए आज भी यहाँ हिंदू संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है। कंबोडिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है अंगकोरा का मंदिर। भगवान विष्णु का यह मंदिर दुनिया का सबसे प्राचीन और विशाल मंदिर है। यह लगभग 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये मंदिर देखने में काफ़ी शानदार है। इस मंदिर की दीवारों के चित्र और मूर्तियाँ हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो इस मंदिर को देखे बिना ना लौटें। कंबोडिया के पर्यटन स्थलों में आते हैं यहाँ के खूबसूरत समुद्री तट, साथ ही यहाँ पर कई शानदार आइलैंड भी हैं जो आपकी यात्रा को बेहद यादगार बना देंगे। यहाँ का कोह रोम आइलैंड पूरी एशिया का सबसे रोमांटिक द्वीप है, क्योंकि इसकी आकृति दिल के आकार की है। इसके साथ ही आप यहाँ डाइविंग का भी मज़ा ले सकते हैं। कंबोडिया देश संवैधानिक राज्यशाही के अधीन है और यहाँ पीएम हुन सेन का शासन है। दोस्तों, कंबोडिया की करेंसी कंबोडियन रियल है। लगभग 5 कंबोडियन रियल भारत के 1 रुपये के बराबर है। ये एक ऐसा देश है जो विभिन्न परंपराओं से भरा हुआ है और यहाँ हर महीने कई छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2 बार नया साल मनाया जाता है, और ये एक ऐसा देश है जहाँ कीट पतंगों को व्यापक रूप से खाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जिसमें एक इमारत की छवि अंकित है। इस राष्ट्र की आधिकारिक भाषा खमेर है, लेकिन यहाँ फ्रेंच और अंग्रेजी भी खूब बोली जाती है। देश में बौद्ध धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है और यहाँ 97% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। आपको ये जानकर अजीब लग सकता है कि यहाँ पर कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाता, यहाँ तक कि यहाँ के अधिकांश लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। सम्मान कंबोडिया समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ बड़ों को उचित सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शादी करने के पश्चात जोड़ा पत्नी के माता पिता के घर में रहता है, यानी कि यहाँ पर शादी के बाद व्यक्ति आजीवन अपने ससुराल में ही रहता है। इस देश के बारे में एक बुरी बात यह है कि ये देश बहुत तेज़ी से जंगलों को खो रहा है और यहाँ पर वनों की कटाई की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कंबोडिया एशिया में तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग और निर्माण उद्योग पर आधारित है। तो दोस्तों, ये थी कंबोडिया देश की कुछ महत्वपूर्ण तथा रोचक बातें जो शायद ही आपको पता हों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।